Welcome to Civil Service IAS, your go-to YouTube channel for all things related to the Indian Administrative Service. दिल्ली में इंडिया में हनी ट्रैपिंग का एक बेहद संगीन मामला सामने आया। इसमें डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के पुणे बेस्ड सीनियर साइंटिस्ट प्रदीप कुरुलकर हनी ट्रैपिंग का शिकार हुए और उस ट्रैप में फंसकर उन्होंने देश की नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी बहुत सी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स एक पाकिस्तान बेस्ड इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के हाथों सौंप दी। ये मुद्दा इतना सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि प्रदीप कुरुलकर DRDO के आम ऑफिशियल नहीं है, बल्कि वो सिस्टम इंजीनियरिंग लेबोरेटरी के डायरेक्टर के रूप में चुने गए थे, जिसके तहत ये DRDO के बहुत से स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे, जिसमें इंडिया की बहुत से क्रूशल मिसाइल प्रोजेक्ट भी शामिल थे। यानी इंडिया के डिफेंस इक्विपमेंट की डिटेल्स को लेकर इनके पास अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मौजूद थी। सोर्सेस के मुताबिक प्रदीप कुरुलकर ने इंडिया के क्रूशल डिफेंस सिस्टम जैसे कि ब्रह्मोस, अग्नि 6, सरफेस टू एयर मिसाइल्स, एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स, रुस्तम UAV, मेंटर मिसाइल, AK फायर आर्म्स, अस्त्रा मिसाइल और डिफेंस बी की क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान तक पहुंचा दी है। मई में जैसे ही ये केस सामने आया, महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड ATS ने उनको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत एस्पिनाज के चार्जेस में बुक कर लिया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान फाइल की गई चार्जशीट में पुलिस एजेंसीज ने पाया, लास्ट सितंबर अक्टूबर से प्रदीप कुरुलकर अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज के कारण सोशल मीडिया पर एक फीमेल पाकिस्तानी एजेंट के साथ वॉइस मैसेजेस और वीडियो कॉल्स के थ्रू एंगेज कर रहे थे, जिस दौरान उस एजेंट ने इनसे बहुत से क्रिटिकल डिटेल्स निकालने की कोशिश की और वो सभी डिटेल्स उनको देते चले गए। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद इसको हनी ट्रैपिंग का केस बताया गया। खैर, फिलहाल ये केस नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा एक बेहद अहम मुद्दा बन चुका है और इस पर उसी स्ट्रिक्टनेस के साथ जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन यदि आप गौर करें तो पिछले कुछ सालों में ऐसे बहुत से मुद्दे सामने आए हैं जहां पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ISI के फीमेल ऑपरेटर्स सोशल मीडिया के थ्रू इंडिया के सिक्योरिटी या इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स को ट्रैप करके उनसे क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं और दिन ब दिन ये ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे में सवाल ये है कि आखिर ये हनी ट्रैपिंग क्या है, कि एस्पिनाज की दुनिया में इस तरह के इलीगल मेथड्स का इस्तेमाल करना वैलिड है, इसका इतिहास क्या रहा है और भारत में इसको कब और कैसे इस्तेमाल किया गया। आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाबों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। दोस्तों, हनी ट्रैपिंग, एस्पिनाज या सीक्रेट इंटेलिजेंस की दुनिया का एक ऐसा ऑपरेशनल टूल है जहां फीमेल एजेंट्स या फीमेल प्रोफाइल्स का इस्तेमाल करके एक टारगेटेड इंडिविजुअल को मैनिपुलेट किया जाता है। इसमें ये फीमेल ऑपरेटिव्स सेडक्शन, चार्म या रोमांटिक या फिर सेक्सुअल रिलेशनशिप्स को यूटिलाइज करके टारगेटेड इंडिविजुअल से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, फिर उस इन्फॉर्मेशन को मॉनेटरी, पॉलिटिकल या स्ट्रेटजिक गेन्स के लिए यूज किया जाता है। इंटेलिजेंस एजेंसीज विमेन को रिक्रूट करती हैं और फिर उन्हें एम्बेसी स्टाफ, गार्ड्स, पॉलिसी मेकर्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हेड्स को सेड्यूस करने के लिए ग्रूम किया जाता है। इन विमेन एजेंट्स को उनकी फॉरेन कंट्रीज और लैंग्वेजेस की नॉलेज, ब्यूटी और शार्प इंटेलेक्ट के बेसिस पर रिक्रूट किया जाता है। यहाँ हनी ट्रैपर या हनी पॉट्स अपनी अट्रैक्टिवनेस और पर्सुएसिव स्किल्स को यूज करके टारगेटेड इंडिविजुअल के साथ एक कनेक्शन स्टैब्लिश करके पहले एक ट्रस्ट बिल्ड करता है। एक बार जब ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाता है, उसके बाद टारगेट को ब्लैकमेलिंग के जरिए कॉम्प्रोमाइज करने पर मजबूर किया जाता है या उस पर प्रेशर बनाकर उससे इलीगल एक्ट्स भी कराए जाते हैं। हनी ट्रैपिंग इंटेलिजेंस एजेंसीज द्वारा प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स या फिर कुछ हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स द्वारा पॉलिटिकल एस्पिनाज, कॉर्पोरेट एस्पिनाज, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस या फिर पर्सनल फ्यूड के लिए भी यूज किया जाता है। इसका मकसद केवल इन्फॉर्मेशन गेन करना ही नहीं, बल्कि किसी टारगेट को कैप्चर या किल करना भी हो सकता है। जाहिर सी बात है कि एस्पिनाज के इस टूल को वन ऑफ द मोस्ट अनएथिकल और इलीगल टूल में कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इसमें डिसेप्शन, मैनिपुलेशन और टारगेट इंडिविजुअल की प्राइवेसी को वायलेट किया जाता है। यदि एस्पिनाज की दुनिया में हनी ट्रैपिंग के इतिहास पर गौर करें तो आप पाएंगे कि इसका इतिहास बेहद पुराना है। हालांकि इसके कोवर्ट नेचर के कारण बहुत से केसेस में इनके क्लियर एविडेंस नहीं मिल पाते हैं और कहीं ना कहीं ये एस्पिनाज की दुनिया की सबसे लीस्ट अंडरस्टूड कैटेगरी भी बन जाता है। आज इसको भले ही एक हॉलीवुड क्लीशे की तरह देखा जाता हो, लेकिन स्पाइंग के रियल वर्ल्ड में ये हमेशा से ही एक ट्रेड ऑफ टूल रहा है। वॉर या पीस के टाइम्स में दुनिया की लगभग हर इंटेलिजेंस सर्विस द्वारा यूज किए जाने वाला ये एलिमेंट हमें एंशियंट रिलीजियस टेक्स्ट और पॉप कल्चर माइथोलॉजी में काफी लंबे समय से देखने को मिल रहा है।
ग्रीक माइथोलॉजी से लेकर प्रेजेंट डे इन्वेस्टिगेशंस तक सेक्स और एस्पियोनेज का एक पोटेंट मिक्स सीक्रेट इंटेलिजेंसेस का अहम हिस्सा रहा है। मॉडर्न टाइम्स में सबसे प्रोमिनेंट यूज वर्ल्ड वॉर्स के दौरान किया गया। वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 और सोवियत यूनियन की NKVD जो KGB की प्रेडिसेसर थी, वो सेक्सुअल ट्रैप्स का यूज करके राइवल कंट्रीज की बहुत सी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया करती थी। उदाहरण के लिए वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान एक फेमस फ्रेंच रेजिस्टेंस मेंबर मार्गरेट डुरास ने एक जर्मन ऑफिसर हांस क्लारफेल्ड को हनी ट्रैप करके उनसे बहुत से क्रिटिकल इंफॉर्मेशन हासिल कर ली। उसी तरह एक फेमस फ्रेंच स्पाई मैथिल्डे कैरे, जो द कैट नाम से मशहूर थी, उन्होंने भी अपने हनी ट्रैप से बहुत से जर्मन ऑफिसर्स को सिड्यूस किया। इसके और पहले की बात करें तो वर्ल्ड वॉर वन के दौरान स्पाई हिस्ट्री का सबसे जाना माना एक और हनी ट्रैप स्कैंडल घटित हुआ। इसमें माटा हारी नाम की एक डच वुमन इन्वॉल्व थी, जो कुछ समय के लिए जावा में एक इरोटिक डांसर का काम कर चुकी थी। वर्ल्ड वॉर वन के दौरान फ्रेंच ऑफिसर्स ने कुछ टेलीग्राम्स के थ्रू ये पाया कि स्पेन में जर्मन मिलिट्री माटा हारी को पैसे भेजता है। इसी बेसिस पर उन्होंने उस पर जर्मनी के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया और उसको अरेस्ट कर लिया। फ्रेंच ऑफिसर्स ने ये क्लेम किया माटा हारी ने प्रोमिनेंट फ्रेंच पॉलिटिशियंस और ऑफिसर्स को सड्यूस करके उन्हें फ्रेंच सीक्रेट पास किए हैं। खैर, अब आप देख सकते हैं कि सिलेक्शन के इस आर्ट का इस्तेमाल कई सदियों तक किया जाता रहा है, लेकिन इस टर्म हनी पॉट का यूज कोल्ड वॉर के दौरान सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ। आपको बता दें कि इस टर्म हनी पॉट का इस्तेमाल कंप्यूटिंग के फील्ड में भी होता है। वहां इसका मतलब होता है हैकर्स के लिए एक जाल बिछाना। इन टर्म्स को खासतौर पर सोवियत एजेंट्स की वेस्टर्न सीक्रेट एक्टिविटीज को रिवर्व करने के लिए यूज किया जाता था। सोवियत यूनियन ने पूरे कोल्ड वॉर में हनी ट्रैपिंग को बहुत इंटेंस लेवल पर यूज किया। KGB के सर्वे से यूनिट में फीमेल स्पाई को ट्रेन किया जाता था। उनको स्पैरोज या स्वालोज कहा जाता था। ये एजेंट्स हनी ट्रैप के जरिए वेस्टर्न पॉलिटिशियंस, डिप्लोमेट्स और मिलिट्री पर्सनल को टारगेट करती थी और ऐसे ही राइवल साइड की क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन सोवियत हेडक्वार्टर्स तक पहुंचाती थी। इसका एक फेमस एग्जाम्पल है प्रोफ्यूमियो अफेयर। प्रोफ्यूमियो अफेयर 1963 में यूनाइटेड किंगडम में घटित हुआ। हनी ट्रैप का ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल था। जॉन प्रोफ्यूमियो ब्रिटिश MP और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर वॉर हुआ करते थे, जो एक यंग फीमेल सोवियत मॉडल क्रिस्टीन कीलर की बातों में आकर सेड्यूस हो गए। उधर कीलर एक सोवियत नेवल अटैचे येवगेनी इवानोव के साथ भी जुड़ी थी। येवगेनी इवानोव लंदन में पोस्टेड एक सोवियत अटैचे थे। वो एक हैंडसम पोस्टनेबल ऑफिसर थे जो ब्रिटेन की डिप्लोमेटिक और सोशल सीन पर एक पॉपुलर फिगर बन चुके थे। क्रिस्टीन कीलर एक पार्टी के दौरान इवानोव की मिस्ट्रेस बन गई, लेकिन कीलर मैरिड ब्रिटिश PM और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर वॉर जॉन प्रोफ्यूमियो की भी लवर थी। वो उस दौरान यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मिलकर जर्मनी में क्रूज मिसाइल्स की स्टेशनिंग प्लान कर रहे थे। जाहिर है कि वॉर टाइम सेक्रेटरी होने के नाते प्रोफ्यूमियो के पास देश की बहुत सी सेंसिटिव जानकारी मौजूद थी और इस तरह वो हनी ट्रैप का शिकार हो गए। लेकिन उन्होंने ये जानकारी किलर को किस हद तक रिवील की, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है। 1963 में ये प्रोफ्यूमियोज अफेयर प्रेस में एक्सपोज हो गया। प्रोफ्यूमियो को हाउस ऑफ कॉमन से रिजाइन करना पड़ा। उनकी वाइफ ने तो उनको माफ कर दिया, लेकिन उनका करियर ऑलमोस्ट खत्म हो गया। उधर यूनाइटेड स्टेट्स भी कोल्ड वॉर के दौरान हनी ट्रैपिंग का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटा। CIA का एक ऐसा ही फेमस ऑपरेशन था सेक्सपियोनाज। इस ऑपरेशन में अमेरिकन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हनी पॉट्स का यूज करके सोवियत रशिया में मौजूद अपने स्पेसिफिक टारगेट्स की जानकारी इकट्ठा किया करते थे। तो दोस्तों, ये तो बात हुई कोल्ड वॉर के थ्रिलिंग हनी ट्रैप केसेस की। इन सभी एग्जाम्पल से आपको अंदाजा लग चुका होगा कि हनी ट्रैप असल में काम कैसे करता है, लेकिन ये दौर कोल्ड वॉर के दौर से कई ज्यादा एडवांस, हाईटेक और अपग्रेडेड है। तो जाहिर है कि इस डिजिटल दौर में हनी ट्रैप की टेक्निक्स और भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और इफेक्टिव होती जा रही हैं। अब किसी भी एजेंट को अपना जाल बिछाने के लिए फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं पड़ती। सोशल मीडिया पर फ्रॉड अकाउंट्स के थ्रू टारगेटेड इंडिविजुअल को रीच किया जाता है और वहीं से सारा ट्रैप शुरू होता है। पिछले कुछ सालों में इंडिया के लिए पाकिस्तानी इंटेलिजेंस सर्विस ISI द्वारा बिछाई जाने वाले हनी ट्रैप्स सबसे बड़ा सरदर्द बन चुके हैं। पाकिस्तानी ISI हनी ट्रैप जैसे एस्पियोनेज टूल्स को बहुत लंबे समय से इस्तेमाल करती आ रही है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ये काम केवल इंडिया के अगेंस्ट ही नहीं बल्कि खुद की सरकार के अगेंस्ट भी अक्सर डिप्लॉय करती नजर आती है। अब से कुछ समय पहले पाकिस्तान के एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर ने यह दावा किया था कि उनकी फोर्स यंग और फेमस एक्ट्रेसेस को सिलेक्टिव स्पाइस की तरह यूज करके पॉलिटिशियंस को ब्लैकमेल कर रही है। खैर, इंडिया के केस पर वापस आए तो खासतौर पर पिछले 2 सालों में पाकिस्तानी ISI ने इस प्रैक्टिस को
ऐसे इंडियन ऑफिसर्स पर यूज किया है जो हमारे डिफेंस डिपार्टमेंट या आर्म्ड फोर्सेस में हाई रैंक्स पर एस्टैब्लिश होते हैं। अब से कुछ मंथ पहले ओडिशा पुलिस ने बालासोर के चांदीपुर में डीआरडीओ की एक वाइटल फैसिलिटी इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज आईटीआर पर पोस्टेड एक 52-year-old सीनियर टेक्निकल ऑफिसर को अरेस्ट किया, जिनका नाम है बाबूराम दे। यहां भी चार्जेस वही थे, वो एक विमेन आईएसआई ऑपरेटिव को डिफेंस सीक्रेट शेयर करते पाए गए। इनके अरेस्ट से देश के टॉप ऑफिशियल्स को नाइटमेयर फेस करना पड़ा, क्योंकि इनके पास इंडियन मिसाइल के लॉन्च से जुड़ी हुई कुछ एक्सट्रीमली सेंसिटिव टेक्निकल इन्फॉर्मेशन मौजूद थी। ये डीआरडीओ की टेस्ट फैसिलिटी के टेलीमेट्री सेक्शन में पोस्टेड थे, जो टेस्ट फायरिंग के तुरंत बाद मिसाइल्स की परफॉर्मेंस चेक करती थी। सोर्सेज के मुताबिक हनी ट्रैपर ने खुद को उत्तर प्रदेश की एक पुअर साइंस स्टूडेंट के रूप में इंट्रोड्यूस किया था, जो हायर एजुकेशन और रिसर्च में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी। दे ने उनकी स्टडीज को स्पॉन्सर किया और इसका इस्तेमाल करके वो लड़की दे का कॉन्फिडेंस गेन करती रही। इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सामने आया कि दे ने न्यूड फोटोज और वीडियोज के एक्सचेंज में उस लड़की के साथ कुछ क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन और कॉम्प्लेक्स मिसाइल की इमेजेस और वीडियो शेयर की थी। सितंबर 2021 में पुलिस ने आईटीआर से जुड़े 5 कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज को अरेस्ट किया, जिसमें डायरेक्टर का ड्राइवर भी शामिल था। इन सभी को हनी ट्रैप किया गया था। आपको बता दें कि रिसेंट पास्ट में मिसाइल टेस्ट रेंज में ये हनी ट्रैपिंग का 3rd इंसिडेंट था और 1 साल से कम समय के अंदर 2nd। उसी तरह लास्ट ईयर नवंबर में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ काम कर रहे एक हनी ट्रैप ड्राइवर को अरेस्ट किया गया, जो MEA की कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान में पास ऑन कर रहा था। उसी तरह जुलाई में 24-year-old इंडियन आर्मी जवान शांतिमय को पाकिस्तान को मिलिट्री इन्फॉर्मेशन लीक करते हुए पकड़ा गया। इनको भी ISI द्वारा हनी ट्रैप किया गया था। जून 2019 में सेजल कपूर का एक और इनफेमस इंसिडेंट हुआ। उसने इंडियन आर्मी समेत बाकी कई डिफेंस फोर्सेस के 98 पर्सनल के कंप्यूटर हैक किए। इस केस में हनी ट्रैपिंग की ओल्डेस्ट ट्रिक का यूज किया गया। पर्सनल को वीडियो और पिक्चर शो करके उनके कंप्यूटर में मैलवेयर इंसर्ट किया गया और यहीं से ब्रह्मोस मिसाइल प्रोग्राम की भी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की गई। दोस्तों, जाहिर है कि देश में हनी ट्रैपिंग के बढ़ते इंसिडेंट्स को देखते हुए देश की इंटरनल सिक्योरिटी काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसीज की चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसे नेशनल सिक्योरिटी पर लगातार एक सीरियस थ्रेट मंडराता रहता है। हालांकि इंटेलिजेंस ब्यूरो और हमारी बाकी इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसीज इस मुद्दे पर रेगुलर सेंसिटाइजेशन और ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स कंडक्ट करती आई हैं, लेकिन उसके बावजूद इन एजेंसीज के सीनियर ऑफिसर्स का इंट्रैप में फंस जाना एक सीरियस नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न बन गया है। हनी ट्रैपिंग के ये फ्रीक्वेंट इंसिडेंट्स दिखाते हैं कि कैसे डीआईडीओ की हाईली एडवांस फैसिलिटीज, जो अपनी साइबर प्रोवेस के लिए जानी जाती हैं, वो भी हनी ट्रैपर्स के अटैक से पूरी तरह सिक्योर नहीं है। साथ ही हमें ये भी एहसास कराती है कि यदि सोशल मीडिया के थ्रू फैसिलिटेट हो रहे इस थ्रेट को सेफली हैंडल नहीं किया गया तो उसके साइड इफेक्ट्स की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा हो सकती है। इंडियन आर्मी ने हनी ट्रैपिंग को हाइब्रिड वॉरफेयर का एक वेपन डिक्लेयर किया है और इशू की सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए मिलिट्री पर्सनल के द्वारा टेक्नोलॉजी यूज पर स्ट्रिक्ट लिमिटेशंस इम्पोज किए गए हैं। सोल्जर्स के द्वारा फेसबुक और टिंडर जैसे डेटिंग एप्स का यूज को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। इसके लिए इन ऑफिसर्स और उनकी फैमिलीज को रेगुलरली वार्न किया जाता है। सोशल मीडिया के थ्रू किसी भी तरह की इंटेलिजेंस को शेयर करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड क्रिमिनल एक्ट है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक एम्प्लॉय और पर्सनल की हाई सर्वेलेंस के अलावा उनके बिहेवियरल चेंजेस की स्टडी भी बेहद जरूरी है। साथ ही साथ एस्पियनेज के थ्रेट और रिस्क को लेकर उनकी ट्रेनिंग के दौरान एक्स्ट्रा एम्फेसिस देना बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो चुका है। और चूंकि ये थ्रेट सबसे ज्यादा सोशल मीडिया से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ऐसे में इन प्लेटफॉर्म्स की कंसिडरेबल नॉलेज के साथ साथ इनकी वल्नरेबिलिटी की ट्रेनिंग भी बेहद क्रूशल है। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन का एक्सेस स्ट्रिक्टली नीड टू नो बेसिस पर अवेलेबल होना चाहिए। फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंटरफेस DRDO रवि कुमार गुप्ता का कहना है कि यहाँ सबसे ज्यादा वरिंग ट्रेंड ये है कि कंट्री के सीनियर और एक्सपीरियंस डिफेंस पर्सनल इन विशियस अटैक्स का टारगेट बन रहे हैं। ऐसे में हमारे सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट्स को चाहिए कि वो वक्त रहते एक ऐसी कॉन्क्रीट स्ट्रेटजी को तैयार करें जिससे ऐसे इंसिडेंट्स को हर हाल में अवॉइड किया जा सके, और यदि फिर भी कोई इस ट्रैप में फंस जाता है तो किसी भी सूरत में देश की सिक्योरिटी से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन पास ऑन ना हो सके। और इसी उम्मीद के साथ दोस्तों आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। इस मुद्दे पे आपके क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत। By subscribing to our channel,
You'll gain access to a wealth of engaging videos that aim to educate and inspire.